देखो देखो इधर दिखाओ मुंह अपना, मेरा मुंह दिखाओ क्या खा रहे हो, बताओ कैसा लग रहा है चटनी के साथ? अच्छा, मैडी को पूछती हूँ मैं क्या खा रहे, अच्छा भैया ये क्या है सब? ये सब ये भैया ये जो पसीने से उतरे और ये क्या है आपका? ये सब सब काऊ के मारे है, काऊ के मारे ये जब ना सब 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 खाई मार सब दादाजी सब कान में रखे। तो गाइस ये उसकी चटनी बना रही थी मैं, टमाटर प्याज लहसुन और हरी मिर्ची की, अच्छी लगती है ये चटनी पकौड़ों के साथ। तो इतना ही क्लिप दिखाया मैंने आपको, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चने की दाल। उसके लिए मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता सब कुछ ले लिया है, और यहाँ पर मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। तो ये चने की दाल थी, इसमें हल्का सा मूंग छीटा वाला रहता है ना वो ऐड किया था, क्योंकि वो मेरा रह गया था, तो मैंने सोचा चलो इसमें एडजस्ट कर लेती हूँ। वैसे चने की दाल बनाने वाली थी पर ये था, तो मैंने कहा चलो इसमें भी ऐड कर लेती हूँ। और उसके बाद मैंने मेरा तेल हो चुका है, तो यहाँ पर डाल दिया राई और हींग और डाल दिया है। इसमें डाल दूँगी मैं कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता के बाद प्याज और लहसुन दोनों डाल दूँगी, सब कुछ एक साथ प्याज लहसुन और हरी मिर्ची, और इसको अच्छे से फ्राई होने दूँगी। जब ये मेरा फ्राई हो जाएगा ना, तो उसके बाद मैं टमाटर ऐड करूँगी इसमें। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी इसके बाद इसमें टमाटर, क्योंकि प्याज लहसुन हो चुका है, ये देख रही थी मैं, चेक कर रही थी। तो यहाँ पर अभी मैं ऐड कर दूँगी टमाटर, टमाटर को अच्छे से होने दूँगी और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा क्या कि दाल के अकॉर्डिंग ही नमक ऐड कर दूँगी, फिर बाद में वो ही अंदाज़ नहीं आता ना, तो पहले ही मैंने ऐड कर लिया है। और उसको ढक्कन लगा के थोड़ा पकने दूँगी जब तक टमाटर मेरा गल ना जाए। तो गाइस साथ में ही मैंने सोचा चलो राइस भी धो के रख देती हूँ, राइस कुकर हमारा ख़राब हो चुका है, अच्छे से पक नहीं रहा है, उसमें बार बार नीचे आ जाता है वो, तो इसलिए मैंने सोचा चलो कुकर में बना देती हूँ। कुकर का चावल इतना अच्छा नहीं लगता है यार जब राइस कुकर का खाते हैं तो, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है। और ये कुकर में ना सीटी भी नहीं आती दूसरे वाले कुकर में, तो मैंने कहा चलो अभी एक कुकर और है, लेकिन उसमें मम्मी एकादशी वाला खाना बनाती थी तो अन्न का ना लगे इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने कहा इसी में बना देती हूँ, अंदाज से बंद कर लूँगी कितने में पक जाएगा करके। तो चावल भी इसमें रख दूँगी, ऐसे ही चावल पकने के लिए रख दूँगी। तो गाइस यहाँ पर मेरा टमाटर हो चुका है, तो इसमें ऐड कर दूँगी धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। और ये मैंने ना डब्बू में वैसे जो मसाला दानी होती है उसमें नहीं रखा है, क्योंकि मेरी सासू माँ को पसंद नहीं है। अब जॉइंट फैमिली में तो हर किसी की पसंद को करते ना, और वैसे भी जो वो बोलते हैं वैसे ही करना पड़ता है, तो इसलिए ऐसे रखे हुए हैं। मैंने कितनी बार बोला है लेकिन वो मना कर देते, तो इसलिए मैं नहीं लेके आई। मैंने कहा चलो ठीक है यार, जैसी उनकी मर्जी वैसे ही करो। तो यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है मैंने चने की दाल में, चने की दाल में थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करो ना तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसको भी अच्छे से भून लूँगी, इसको अच्छे से भूनने के बाद ना इसमें मैं चना भी जैसे ऐड करूँगी ना, चने को भी मैं अच्छे से भूनूँगी। ये मसाला देखो मेरा अच्छे से हो चुका है, तो मैं यहाँ पर अभी चना भी ऐड करूँगी और चने को ना अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ पर मैं दाल में थोड़ा सा अदरक भी कद्दूकस करके डाल दूँगी, अदरक डाल के, वैसे अदरक वदरक खाना चाहिए बोलते हैं आजकल इसकी वजह से, तो थोड़ा सा अदरक भी ऐड कर दूँगी। अच्छा टेस्ट भी आता है दाल में अदरक वगैरह ऐड कर दो तो, हम लोग वैसे लहसुन प्याज कम खाते हैं तो अदरक का ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन ये वाली दाल में लहसुन प्याज डाला है मैंने। तो यहाँ पर अभी मैं ऐड कर दूँगी इसमें पानी, जितना मुझे चाहिए पानी मैं ऐड कर लिया, और इसमें लगा दूँगी ढक्कन, और चार पाँच दो तीन सीटी आने के बाद थोड़ा स्लो में पकने दूँगी, तो मेरी दाल एकदम हो जाएगी तैयार।
ये देखिए मेरा यहाँ पर दूध ना फट गया था, तो मैंने इसमें जामुन लिया, ये दही बन गया। इसके लिए मुझे आज बहुत डांट खानी पड़ी और लेकिन ये दही थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखने के बाद इसमें जामुन डाला ना तो दही बन गया था। और ऐसा नहीं कि गलत कुछ अलग सा टेस्ट आया, लेकिन अच्छा टेस्ट आया, तो मैंने कहा चलो अभी ठीक ही हो गया। और ये धनिया है ना, तो मैंने ये धनिया को अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसको अच्छे से धो के उसको एक गीला, ये कपड़ा जो है किचन टॉवल रहता है उसको गीला करके उसमें ऐसे एकदम इसको कवर कर लूँगी। और ये धनिया ना कम से कम 15 दिन चल जाता है, मतलब अगर आपके पास ज़्यादा धनिया है आप इस तरीके से रखोगे ना तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। लेकिन कपड़े को बार बार गीला करते रहिए जब ये सूख जाए। तो यहाँ पर प्याज सलाद वगैरह काट दिया है और लंच हो गया है रेडी। आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए लंच हमारे साथ। और ये दाल बनी हुई है, ये देखिए आपको दाल दिखाती हूँ कितनी टेस्टी बनी थी, रियल में बहुत टेस्टी भी हुई थी। ये कैमरे में ना उसका भाप आ रहा है तो ये वो हो जा रहा था इसलिए। ये देखिए दाल मैंने थोड़ा गाढ़ी रखी है, इसकी दाल मुझे गाढ़ी जो थोड़ा पसंद है। तो गाइस ये मॉर्निंग वाला क्लिप है, जब मैं नहा के आई थी तो मैंने कहा पहले मैं, हमारे वहाँ पर बोलते हैं ना तो नहा के आओ तो सबसे पहले सिंदूर वगैरह बिंदी वगैरह लगाओ, बिना उसके तो पानी भी मुंह में नहीं डाल सकते ऐसा बोलते हैं। तो बड़े लोग जो बोलते हैं वो अच्छा ही होता है यार। तो इसलिए यहाँ पर ना पूरी मांग भरनी चाहिए बोलते हैं हमेशा, चाहे तुम फिर कैसे हेयर स्टाइल बनाओ उसके ऊपर वो मायने नहीं रखता, लेकिन जब मांग भरो तो पूरा ऊपर तक भरो मांग। तो वही कर रही थी मैं। और बिंदी वैसे जब बाहर जाती हूँ तभी लगाती हूँ, नहीं तो ना मेरे माथे में बहुत खुजली हो जाती, तो इसलिए मैं सिंदूर का ही टीका लगा लेती हूँ बिंदी की जगह पे। सब लोग आई होप अच्छे होंगे। गाइस मैं भी अच्छी हूँ और कल का क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये अभी मॉर्निंग का है, यानी कि संडे का, आज का, आज है 3 मई और अभी टाइम हो रखा है 9:30 हुआ है अभी। तो झाड़ू पोछा और कपड़े वगैरह सब कुछ मेरा हो चुका है, मैंने नाश्ता बना के भी सबको दे दिया है। और आज मैंने सर धोया, संडे है ना, और ऐसे ही कर दूँगी बस, बाल ऐसे ही सूख जाएंगे मेरे। मैं कोई ड्रायर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ऐसे ही सूख जाते हैं, वैसे भी आजकल गर्मी है। और कल का जो मैंने मॉर्निंग से शूट किया था ब्रेकफास्ट से, उसके बाद फिर लंच का। और कल ना हमारे जो हम जहाँ पर रहते हैं मीरा रोड में, वहाँ पर सबसे अच्छी बात ये हुई कि 57 पेशेंट एक साथ डिस्चार्ज होके अपने घर आ गए और बहुत अच्छा लगा। मैंने वो वीडियो देखा ना तो इतना अच्छा लगा। लेकिन अभी भी आ रहे हैं पेशेंट, आ रहे हैं, कभी कभी 3 आते हैं, कभी 4 आते हैं। हमारी मीरा रोड में जहाँ पर हम रहते हैं वहीं पर इतने आते हैं। वैसे भी महाराष्ट्र की तो आपको पता है बहुत बुरी हाल है, पर यहाँ पर थोड़ा सा जब से संपूर्ण लॉकडाउन किया, सब कुछ बंद किया, तो वो हालाँकि हम लोगों को परेशानी हो रही है थोड़ा बहुत खाने पीने की भी। चल कोई बात नहीं यार, खाना पीना तो रोज का ही है, पर ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा एक बार, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी तो सब लोग बोर हो गए घर में बैठ बैठ के। पहले तो चलो फैमिली के साथ, फिर भी मतलब कितना टाइम बिताएंगे यार, बहुत ज़्यादा बोर हो गए। जो लोग बाहर काम करने वाले हैं जैसे हम लोगों का, तो तब भी ठीक है कि हम लोग घर में रहते हैं ना, लेकिन जो लोग बाहर काम करते हैं उनके लिए तो बहुत बुरी हालत हो गई है घर में रह के। तो आप लोगों के घर में भी ऐसी हाल हो रहा होगा। क्या बोलते हैं, जहाँ पर ग्रीन वाला है वहाँ पर अच्छा हो गया, जैसे रेड जोन वाला, ये मीरा रोड जहाँ पर हम रहते हैं वो तो रेड जोन में ही है। अभी देखो कब तक ठीक होता है, वैसे धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, बहुत कम पेशेंट भी आ रहे हैं। जैसे पहले 15-16 आ रहे थे, लेकिन अभी कभी 3 कभी 4 और परसों तो एक ही आया था। बहुत अच्छा लगता है जब कम आते हैं। और 57 पेशेंट एक साथ डिस्चार्ज हो गए तो बहुत अच्छा लगा। गाइस आप लोग बताना आपके वहाँ पर क्या हाल है, क्या नहीं है। और ये मेरा छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट करना मुझे, ठीक है। आपके प्यारे प्यारे कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, और लाइक करते हो ना तो ऐसा लगता है हाँ आपने मेरे वीडियो को पसंद किया है। तो चलिए मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, और यहीं से दूसरा ब्लॉग अपना चालू करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहिए, सेफ रहिए।